हेलो दोस्तों, मैं मुरारी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर से। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे, तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का आगे का क्या क्या सवाल बता है। और ध्यान रखिए कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे और एसएससी के प्रीवियस ईयर या बाकी परीक्षाओं में जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन का जो एक सीरीज है वह लेकर हम आए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करवाने वाला हूँ और बाकी क्वेश्चंस जो कुछ आपके लिए छोड़ देंगे आप उसको ट्राई कीजिएगा और उसका आंसर क्या होना चाहिए हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या आता है क्वेश्चन। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड पे कुछ इस तरह से है। हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बड़े ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन हमसे आज कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कुछ आम 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्त, कि हम आपको बताए हुए भी हैं और आज इस चीज पर हम काम भी करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा कि आज जो हम काम करने वाले हैं उसमें कुछ इस प्रकार से है। हीम चलिए जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली क्लास में मैंने आपसे इस बात पर डिस्कशन भी किया था और अच्छे से बताने की कोशिश भी की थी। क्या कोशिश की थी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% माना जाता है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें, प्रतिशत लाभ की बात करें, तो हम इस 100 में इस बात को ऐड करते हैं और प्रतिशत हानि की बात की जाए तो 100 में हम लोग माइनस करते हैं। और जैसा कि आपने अब तक सुनते हुए आया है, एक बहुत प्यारी सी बात है और बाकी सच्चाई भी इसमें पूरी तरह है कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ध्यान रखिएगा कि वस्तु स्थिति को जानने के लिए अगर हम भिन्न में लिखते हैं तो ऊपर हमारे पास रुपया आता है और या तो नीचे वस्तु की संख्या आएगी तो हम वस्तु की कीमत पता कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर रुपया को भिन्न में ऊपर रखा जाए और वस्तु की संख्या निकालना है तो कीमत को नीचे रखा जाए। और इन दोनों कंसेप्ट से और इस बात से यह लाभ हानि का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और ऐसे क्वेश्चंस हालांकि यह देखने में छोटे लगते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमसे पहला क्वेश्चन कहा जाए बस लैंग्वेज पढ़ना और सॉल्व करना है। एक आदमी कुछ आम, हमें नहीं पता कितने आम, लेकिन कुछ आम के बारे में कहा जा रहा है कि 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। यह आम का भाव है यानी बेचने का जो दर होता है, रेट होता है, क्या है कि 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी इस बार 1 रुपए में कितना आम बेचा जाए उसकी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वह खरीदता है तो क्रय करता है तो क्रय मूल अपने आप में हो जाएगा 100%। ध्यान रखिए दोस्त, मैंने बताया है कि रुपये का स्थान मनी का, धन का स्थान ऊपर होता है और इसके नीचे जो भी आएगा कीमत संख्या वगैरह, या तो कीमत या संख्या नीचे लिखा जाए। हमसे कहा जाए कि कहीं पर मान लीजिए आपका वैल्यू 1/3 आ गया है तो इस बात का मतलब समझिएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, इस बात की मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है इस बात का कि 1 रुपए में 3 वस्तु। इस बात का बस इतना सा मतलब है। अगर आप इस बात को समझते हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस आपसे तेज
कोई नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी है। ध्यान से देखिएगा, कुछ आम एक रुपए में 11 की दर से, तो आप बताइए कि रुपया ऊपर रखा जाए तो कितने 11 आम की दर से, वस्तु की संख्या नीचे, खरीदता है तो क्रय मूल्य अपने आप में हो जाएगा 100%। अब हमसे कहा जा रहा है कि वह एक रुपए में कितने आम बेचे कि 10% का लाभ हो, इट मीन्स अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में 10 को ऐड करेंगे और अगर लॉस हो तो 100 में 10 को माइनस करेंगे। तो आप बताइए कि हमें 10% का लाभ हो, इसका मतलब क्या हमसे वह 110% का वैल्यू पूछा जा रहा है? आप तुरंत 1% का मान निकालिएगा तो कह सकते हैं कि 1 और बट्टा में 11 और 100 आएगा तो अपॉन में 100 हो जाना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है कि आप 110% का मान बताइए, तो 110% के लिए 1/11 और गुना में हम लिखेंगे 100 और 110 है जिसका मान निकालना है, उसको आपस में गुना कर दीजिए और ध्यान से देखिए कि 0 से 0 और 11 से 11 चला जाएगा तो फ्रैक्शन बना हमारे पास 1/10। अब आप कहिएगा कि सर इस 1/10 का क्या मतलब, तो मेरे कहना होगा दोस्त मेरे, 1 रुपये में कितने आम, तो 10 आम को बेचा जाए, 10 मैंगोज बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ होगा और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इतना सा काम करना है। मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूं, कुछ आम 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है यानी वह क्रय करता है और क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। रुपया ऊपर बाकी स्थिति पैसे से नीचे, क्योंकि दोस्त बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया ऊपर बाकी स्थिति नीचे। क्रय मूल्य खरीदता है तो वह अपने आप में हो जाता है 100, तो हम 1 का निकालेंगे। कह रहा है बेचे और बेचने के बाद 10% का लाभ हो, इस बात का मतलब यह हुआ, इस बात का दोस्त यह मतलब है, 10% लाभ का यह मतलब है, 10% लाभ का यह मतलब है कि यह जो है, यह जो काम करेगा, 10% लाभ का मतलब यह है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि लाभ होने पर 100 में जोड़ देंगे और 110% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि 110% का वैल्यू क्या होना चाहिए, यह बात पूछा जा रहा है। और उसके बाद तो कहानी आपके सामने है विद इन सेकेंड्स, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, बताने के लिए हमने समय लगा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही आसानी के साथ तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल चंद शब्दों में बगल वाले, आस पड़ोस वाले आपके स्पीड से मात खा जाए, ऐसे तरीकों से सवाल को सॉल्व करना। और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है एक आदमी 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, तो आप मतलब समझ चुके हैं, तो खरीदता है इसका मतलब हमसे 100% के बारे में कहा जा रहा है, क्रय के बारे में कितना खरीदता है, तो 1 रुपए में 25 की दर से, तो रुपये को ऊपर रखा जाए बाकी स्थिति को नीचे रखा जाए, कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, इसका मतलब आपसे 125 का वैल्यू पूछ रहा है। आप अगर 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 1/25 और यह 100 तो अपॉन में 100 आ जाएगा। कहा जा रहा है 125% का मान निकालिए, तो तुरंत क्या करना है कि इंटू कर देना है 125 से। आप ध्यान दिया जाए अब यहां पर, तो हम कहेंगे क्या कि 25 के टेबल में 125 पांच बार और 5 से यह 20 बार, फ्रैक्शन हमारे पास बना है 1/20। अब आप 1/20 का मतलब तो समझा सकते हैं कि 1 रुपए में वह कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो हम कहेंगे कि 20 वस्तुएं, 20 आर्टिकल्स, और 20 वस्तुएं ही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। अब आप देखिए कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बम्बई, यह हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आसानी से आप जब तक कोई क्वेश्चन पढ़े उतने देर में तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस 1 रुपए के कॉन्सेप्ट वाले या कई रुपए के कॉन्सेप्ट, खरीदता है बेचता है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए, आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कैसे कहां क्या करना है। चलते हैं, अगर इस चीज को समझे तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार कहा जा रहा है कि एक आदमी एक रुपए में 12 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपए में कितने आम बेचने चाहिए, यानी 120% के बारे में कहा जा रहा है लाभ होगा, और दिया गया है 20% हानि, यानी हमें 80% के बारे में दिया गया है। मेरा क्या कहना है दोस्त, ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि क्रय मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस, वह अपने आप में होता है 100%। अगर हमसे प्रॉफिट के बारे में कहे तो हम लोग 100 में ऐड करते हैं, और अगर हमसे लॉस के बारे में कहे तो हम लोग 100 में माइनस करते हैं, इस चीज को 100 में हम लोग माइनस करते हैं। प्रॉफिट के बारे में कहा जाए तो 100 में ऐड करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कहा जा रहा है एक रुपये में, तो रुपए को ऊपर रखा जाए और 12 आम, तो आम को हम लोग नीचे रख देते हैं, कि 12 आम बेचने पर क्या कहानी बनती है कि 20% की हानि होती है। इसका मतलब 100 में 20 चला जाए तो यह 80% का वैल्यू है। कहा जा रहा है एक रुपये में कितने आम बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। दोस्त हम क्वेश्चन को एक बार फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको सही रहे, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है एक रुपये में 12 आम, एक रुपये में 12 आम बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब 100 में हमने 20 घटा दिया 80। 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपये में कितने आम बेचने चाहिए, तो सबसे पहले आप 1% का मतलब निकालिएगा कि 1% का मतलब क्या होता है। तो आपका कहना होगा कि सर 1/12 और यह 80 इधर आएगा जो अपॉन में 80 हो जाएगा। 20% लाभ कमाने के लिए यानी हमसे 120% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1/12 और अपॉन में ऊपर 120 और नीचे हमारे पास 80, कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। और आप तुरंत हमें देख के बताइए कि आप इस सवाल को बनाने में रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। फ्रैक्शन बना 1/8, इसका मतलब है क्या कि हम अगर लाभ कमाना चाहे तो 1 रुपये में 8 आम को बेचेंगे जिससे 20% का लाभ हो, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम कहा जा रहा है, और उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको आने वाले आपके एग्जाम बिहार SSC का हो गया, SSC GD हो गए, MTS CHSL वगैरह में आ जाए, तो आप अजी ब्रह्मांड में आपसे जल्दी कोई ना बना पाए, आप इस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा पिछला क्वेश्चन हमने कहा था, बस सेम क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर लिया होगा। 40% की हानि होती है, 40% हानि कहने का मेरा यह मतलब है कि 100 में 40 कम तो 60% की वैल्यू है, और क्या वैल्यू है, तो 1 रुपये में 32 आम को बेचा जाए। कहा जा रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, तो सबसे पहले आप 1% का वैल्यू निकालिएगा, तो आपका कहना होगा क्या कि 1/32 और क्या अपॉन में 60 आ जाना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है आप 120% का मान निकालिए, या तो आप इस कैलकुलेशन को यहीं कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको समझाने के लिए 2 स्टेप नीचे चला है, तो आप बताइए कि 1/32 और इंटू 60 और जिसका वैल्यू निकालना उसको ऊपर लिखा जाए, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इतनी बात तो आपको आनी चाहिए कि 6 का 2 गुना 12 और 2 से चला जाएगा यह 16 बार, और हमारे पास आएगा क्या 1/16 का मतलब है कि 1 रुपये में वह 16 आम बेचेगा, 1 रुपये में वह 16 आम बेचेगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इतना सा काम करना है, और ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड कोई तरीका नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्रिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब इसी में है, क्योंकि ट्रिक्स भूलने की चीज है, लेकिन इस बात को अगर एक बार आप समझ गए तो आप जब तक आपके शरीर में जान है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, आप इस चीज को बिल्कुल नहीं भूल पाइएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जी बेहतरीन सवाल है, और SSC ध्यान रखिएगा कि SSC का एक पूछा गया सवाल हमारे सामने आ गया है। अब उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 1 की जगह 3 रुपए कहा जा रहा है, 3 कहे 13 कहे 300 कहे कुछ भी कहे, रुपए का स्थान चाहे वह 1 हो 2 हो 2 हो 2 हो 10 हो 20 हो करोड़ हो लाख हो, हमेशा ऊपर होता है।
अब ध्यान रखना है कि कहा जा रहा है कि 3 रुपए में कितने संतरे, तो आप कहिएगा कि सर 7 संतरे अगर खरीदे जाते हैं तो यह क्रय मूल्य है, खरीदा गया यानी खरीदे जाते हैं तो क्रय किया जाता है और क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। आप सबसे पहले क्या काम कीजिए कि सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालिएगा, तो हमारे पास बताइए 3/7 और क्या यहाँ पर 100 होना चाहिए, आप कहिएगा बिल्कुल होना चाहिए। अब ध्यान रखा जाए कि 100 संतरे बेचने पर इस बात को बाद में 33% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हमें 133% का वैल्यू निकालना है, तो आप कहिएगा क्या कि सर यहाँ पर होना चाहिए 3/7 × 100 और जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर गुना करते हैं। और बड़े ध्यान से अब देखिएगा तो हम कहते हैं क्या कि 3 से यह चला जाएगा कितनी बार, तो 19 बार, 19 × 7 से करते हैं 133 और ऊपर में हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा, तो ऊपर बनेगा 57 और नीचे बनेगा 100 रुपये। इस बात का मतलब तो आप समझा सकते हैं, इस बात का मतलब कि 57 रुपये में 57 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, तो आप कहिएगा 100 संतरे। और संजोग ऐसा कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि 100 संतरे किस दर पर बेचे जाने चाहिए, तो 57 रुपये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपका कहना है कि सर ऐसे क्वेश्चंस का डायग्राम सेट रहता है जी, बिल्कुल, एग्जामिनर जो सवाल देता है उसको पता है इस क्वेश्चन को कम से कम शब्दों में और बहुत कम कैलकुलेशन में कैसे बनाया जाए। अगर आपने एग्जामिनर के लेवल को मैच कर लिया फिर तो आपके लिए यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही कहानी चल रहे हैं पुरानी बातों को ही खींचे जा रहे हैं दोस्त, हर समय के साथ बदल जाता है। अगर आप भी पुराने कॉन्सेप्ट पर अभी तक चले हैं कि आपको टेक्निक नहीं पता, तो बहुत पीछे रह जाइएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, एक बार फिर से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो अब सीधा सा काम करेंगे कि 80% का वैल्यू, तो 40 रुपया ऊपर और 45 संतरे नीचे आ जाएंगे, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 40 रुपए में कितने संतरे बेचने हैं, तो आप तुरंत 1% का वैल्यू निकालिएगा, तो आप कहिएगा क्या कि 1% की जो सर वैल्यू आ रही है वह आएगी 40/45 और इनटू करेंगे तो अपॉन में। अब किन्हीं के आत्मा में यह भी आवाज आएगी कि सर ऐसे कैसे किया, भैया इस बात को उधर ले जाएंगे तो प्रतिशत तो अपनी जगह रहेगा और 80 यहाँ गुना में है प्रतिशत के साथ, तो आगे इनटू में यानी डिवाइड में हो जाना चाहिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप 20% लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब 120% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 40/45 और इंटू करते हैं 45, इंटू करते हैं 80 और इसका गुना कर देते हैं जिसका मान निकालना 120 का। अब कुछ ज्ञानचंद लोग हमें सलाह देंगे, क्या देंगे कि सर आप यहाँ पर 8/9 भी तो कर सकते हैं, हमें पता है दोस्त 40 रुपए के बारे में कहा जा रहा है, तो रुपए को वैसे ही छोड़ दिया जाए। अब आगे देखिएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, अब कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा क्या कि यहाँ पर कैलकुलेशन जो होना चाहिए वह जाना चाहिए 2 और यहाँ जाना चाहिए 3, 40 से और 3 से 45 कितनी बार, 15 बार, और हमारे पास फ्रैक्शन क्या बना 40/30। इस बात का मतलब है क्या कि हम लोग 40 रुपए में कितने संतरे, तो आपका कहना होगा कर 30 ऑरेंज 30 संतरे बेचे जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर हमारे पास आते गए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बस देखिए और सॉल्व कीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान है यह टॉपिक। अगर आपको यह बात समझ में आया हो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं, तो आप क्या काम करना है कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाना है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल द एम बैंक कोचिंग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपको जो हम आपको बता रहे हैं कि वैसा क्लास आपको कैसा लग रहा है, हमें इससे प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन चीज़ें सामने लेकर आते हैं।
तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग खुश रहिए और अपनी तैयारी में बहुत जी जान लगाकर, जोर लगाकर रिजल्ट को पक्का कीजिए। और चलिए रहने देते हैं आज।